इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इसकी तीव्रता बताई जा रही है 6.5। जी हाँ, 6.5 यानी बहुत तेज भूकंप था। पूरे दिल्ली एनसीआर में इसके तेज झटके महसूस किए गए हैं, जबकि इसका सेंटर बताया जा रहा है नेपाल है। नेपाल से भूकंप उठा है। लगातार पिछले कई महीनों से हमने देखा है कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके आते रहे, लेकिन इस बार ये काफी तेज है, काफी डरावना है। लोग डरे हुए हैं, लोग सोसाइटियों से नीचे आ गए हैं, घरों से बाहर आ गए, लोग पार्क की तरफ भाग के गए हैं। बताया जा रहा है कि 45 सेकंड तक धरती हिलती रही। लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर ये क्या हो रहा है, अंदाजा नहीं था कि ये भूकंप है। लोग आधी नींद में थे, 11 बजे के करीब ही भूकंप आया है। और बताया जा रहा है कि इस दरमियान जो छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थे, उन्हें खासी दिक्कत हुई है। लोगों के सिरदर्द करने लगा है, चक्कर आने लगे, ऐसी तमाम सारी समस्याएं सामने आई है। जो लोग ऑफिस में थे, रात के नाइट शिफ्ट में थे, वो भाग कर बाहर आए। बाहर आकर पता चला कि ये भूकंप था और बहुत तेज देर तक धरती हिलती रही। इसकी जो तीव्रता बताई जा रही है वो 6.4 बताई जा रही है। इसके अलावा बिहार में भी इसके झटके महसूस किए हैं, साथ साथ पूरी यूपी में इसके तेज झटके महसूस किए हैं। लोग 45 मिनट तक इसके झटके महसूस करते रहे हैं। जिनके घर पे पंखे बंद थे, उन्हें साफ तौर पर नजर आ रहा था कि पंखे हिल रहे हैं बिना बिजली के। कुछ इस तरह के हालात हो गए थे। और जो बोतल में पानी रखे होते हैं उस तरह भी आप देख सकते हैं, सीधे तौर पर विजुअल में नजर आ रहा है। आप बता सकते हैं कि झटका काफी तेज था, लोग डरे हुए हैं। लोगों ने ये तक कह दिया कि अगर ऐसे ही भूकंप आते रहे तो किसी दिन पता ही नहीं चलेगा कि हम कहां गए। हमने अभी हाल फिलहाल में देखा अफगानिस्तान में भूकंप आया, और इससे पहले टर्की में भी भूकंप आया था, वहां पर भारी तबाही हुई थी। और आपको बता दें नेपाल में इससे सबसे पहले काठमांडू में भूकंप आ चुका था, कह सकते हैं पूरा काठमांडू ही तबाह हो गया था। अगर ऐसे ही झटके दिल्ली में आते रहे तो दिल्ली आसान नहीं है, दिल्ली में रह पाना, जो भी जर्जर भवन है उन्हें बचा पाना भी बहुत मुश्किल है। भूकंप आया था, कैसे महसूस हुआ? हाँ, मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, हाथ पैर धो के मैं खाना खाने बैठा था, तो जैसे अजीब सा लग रहा है मुझे, फील हुआ भूकंप जैसे आ रहा, तो फिर उसको पंखा का तरफ देखा मैंने। जब पंखा का तरफ देखा तो पंखा हिल रहा था, तो मेरा सिर्फ बच्चों सो रहा था, तो बच्चे को तुरंत उठाया, मिसेस को उठाया, बोला बाहर चलो भूकंप जैसे रहा। फिर उतना सेकंड पे फिर 2-3 बार मुझे आइडिया हो गया भूकंप। जैसे मैंने बाहर आया तो जैसे लग रहा है फील हो रहा, हाँ चारों तरफ हल्ला हो रहा, और मोबाइल मैसेज भी आ गया भूकंप हो रहा। भूकंप चक्कर में बाहर आ गया, आप लोग सब लोग बाहर है, हम लोग अभी बाहर ही घूमे। अभी काफी देर तक मैसेज हुआ था और झटके झटके देखे भूकंप था। हाँ हाँ बिल्कुल हुए। एक्चुअल में हुआ ये कि मैं अभी टीवी देख रहा था घर पे, टीवी देखते देखते अचानक ही क्या हुआ, अचानक ही चक्कर सा आया माइंड में, तो मैं सोचा क्या हुआ अचानक क्या, और ऊपर से जो दीवार होता है ना, दीवार हल्का सा पपड़ी से चढ़ी, तो मैंने टीवी ऑन किया, टीवी ऑन के चेक करा कि भूकंप का सूचना आया हुआ है। तुरंत ही मैं घर से बाहर निकला, बाहर निकल के जब देखा कि बहुत सारे लोग भी इकट्ठे थे बाहर, वो भी बोल रहे भूकंप आया भूकंप आया। फिर उनसे पूछा, हार्ट बीट काफ़ी तेज हो गई थी ये सूचना देख के, और फिर काफ़ी ज़्यादा वैसा माहौल हो गया था भूकंप के मारे की, मतलब डर वाला माहौल क्रिएट हो गया था। भूकंप काफ़ी तेजी था मेरे ख्याल से, बहुत ज़्यादा था। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस खबर को, कमेंट बॉक्स में बताइए। जनसत्ता को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।